बुरहानपुर जिले के बस स्टैंड पर शराब दुकान संचालक द्वारा नाबालिग बच्चों को खुलेआम शराब बेचने का मामला सामने आया। बता दें कि 18 साल से कम उम्र के नाबालिगों को शराब बेचने पर प्रतिबंध है, साथ ही शराब दुकानों पर इसका बोर्ड भी लगाने का नियम है, लेकिन शराब दुकान संचालक द्वारा अपनी दुकानों में इस तरह के बोर्ड नहीं लगाए गए हैं। अब इसी दौरान एक सेल्समैन नाबालिग को शराब बेचते मीडिया के कैमरे में कैद हो गया। जब इस मामले में SDM पल्लवी पौराणिक से बात की गई तो उन्होंने इस मामले में जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया। आपके द्वारा ये मामला संज्ञान में लाया गया है, अभी मैं डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर से भी बात करती हूँ और समुचित जांच उसके उपरांत कार्रवाई के निर्देश भी देती हूँ, क्योंकि वैसे तो नियमानुसार जितनी भी शराब दुकानें हैं उसमें 18 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बालक को शराब विक्रय करने के लिए नहीं दी जानी चाहिए, शराब खरीदने के लिए भी नहीं दी जानी चाहिए, लेकिन फिर भी आपके द्वारा जो वीडियो दिखाया गया उसमें तो दिख रहा है कि बच्चा शराब ले जाते हुए पाया गया है, तो एक बार वो उसकी पूरी जाँच कर ले और फिर उसके बाद अगर सहज दृश्य बोर्ड नहीं लगे हैं तो ये भी निर्देशित किया जाएगा कि प्रत्येक शराब दुकान पर ऐसे बोर्ड लगाए जाए कि 18 वर्ष से कम उम्र के बालक को शराब का विक्रय प्रतिबंधित है।